प्रिंसेस ब्लाउज बहुत प्रचलन में है। ये फैशन के मामले में पारंपरिक और मॉडर्न दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है। आप इन्हें भारी या हल्की साड़ी के साथ पहन सकते हैं। ब्लाउज का ये डिजाइन साधारण साड़ियों को भी आकर्षक बना सकता है। यदि आपको किसी फंक्शन में जाना है तो इस ट्यूटोरियल को देख के आप अपना खुद का ब्लाउज सिल सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाना और कपड़े को काटना, बैक और फ्रंट पीस को तैयार करना, कंधों को सिल के उन्हें एक साथ जोड़ना, पाइपिंग और बायस स्ट्रिप को नेकलाइन से जोड़ना, मुख्य और अस्तर के कपड़े को जोड़ना, आस्तीन को तैयार करना और उन्हें जोड़ना, साइड सीम को फिनिश करना और जिप को लगाना और अंत में निचले हिस्से को हेम करना और नेक लाइन को फिनिश करना सीखेंगे। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी ब्लाउज के लिए 1 मीटर प्रिंटेड कपड़ा, अस्तर के लिए 1 मीटर मैचिंग कपड़ा। प्रिंसेस ब्लाउज का टेम्पलेट जो आप हमारी वेबसाइट www.ushasu.com से डाउनलोड कर सकते हैं। चौक, कैंची, मैचिंग धागा, 2 मीटर मैचिंग पाइपिंग, बीडेड पिंस, स्केल, उषा जुनोमी पाइपिंग फुट, 8 इंच कंसील्ड जिपर, उषा जुनोमी जिपर फुट, हुक और बटन और हाथ की सुई। स्टेप 1, टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाना और कपड़े को काटना। आपकी साड़ी से मैचिंग अपनी पसंद का एक स्टाइलिश कपड़ा लें और उसे पूरी तरह से खोलें। अब कपड़े को लंबाई में आधा मोड़ें, सीधा हिस्सा आमने सामने हो। ये हमारा सीधा हिस्सा होगा। अब www.ushasu.com से डाउनलोड किया हुआ प्रिंसेस ब्लाउज का टेम्पलेट कपड़े के ऊपर रखें। हम उन 2 टेम्पलेट से शुरू करेंगे जिस पर फ्रंट लिखा होगा, फिर बैक और आस्तीन को रखें। सुनिश्चित करें कि आप पहले फ्रंट वाले टेम्पलेट को बताए अनुसार फोल्ड पर रखें। बैक टेम्पलेट भी फोल्ड पर आ जाएगा। अब इन सभी टेम्पलेट को सही जगह रख के बीडेड पिन्स लगा दें। सुनिश्चित करें कि जब आप पिन लगा रहे हों तो पिन कपड़ों की दोनों परतों से होकर गुजरे। इन सभी पीस पर पिन लगाने के बाद हमें चौक से इन टेम्पलेट के अनुसार कपड़े पर निशान लगाना है। सभी टेम्पलेट पर ध्यान से निशान लगाएं। घुमाव और किनारों पर ज्यादा ध्यान से निशान लगाएं। कपड़े पर डार्ट्स के लिए सभी नॉच और पॉइंट्स को चिन्हित करना न भूलें। निशान लगाने के बाद टेम्पलेट से एक एक करके पिन निकाल लें। पिन निकाल के वापस पिन कुशन में रख दें ताकि चोट न लगे। पिन निकालने के बाद टेम्पलेट को एक तरफ रख दें। हम कपड़े पर फिर से पिन लगाएंगे ताकि टेम्पलेट काटते समय यह स्थिर रहे। कपड़े को स्थिर रखने के लिए हर पीस पर 1 से 2 पिन लगाएं। फिर कैंची से काटना शुरू करें। पहले फ्रंट पीस को काटें और उसके बाद बैक पीस और आस्तीन को काटें। ये पीस काटने के बाद अस्तर का कपड़ा लें और फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराएं। आपके पास प्रत्येक टेम्पलेट के 2 पीस होने चाहिए, एक मुख्य ब्लाउज का कपड़ा और दूसरा लाइनिंग का कपड़ा। स्टेप 2, बैक पर डार्ट्स बनाना। आइए पहले बैक टेम्पलेट पर काम करें। बैक का मुख्य कपड़ा लें और साथ ही इसके लिए अस्तर का कपड़ा लें। आप 2 नॉच और 1 पॉइंट देख सकते हैं जिसे हमने डार्ट्स के लिए निशान लगाया था। रूलर से पॉइंट को जोड़ के एक त्रिभुज बनाएं। हमें इसे बैक पीस के बाईं तरफ भी बनाना होगा। ऐसा करने के लिए एक पिन लें और कपड़े की दोनों परतों के माध्यम से पिन डालकर पीछे से सेंटर डार्ट पॉइंट को चिन्हित करें।
फिर किनारे पर कपड़े को संरेखित करें और नीचे जहां पॉइंट है वहां नॉच बनाएं। रूलर से सेंटर पॉइंट और नॉच को जोड़ें। अब हमारे पास बैक पीस के दाएं और बाएं हिस्से में एक डार्ट है। अस्तर के कपड़े के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। अब कपड़ों को अपनी उषा वंडा स्टिच प्लस सिलाई मशीन पर ले जाएं। अब हम मुख्य कपड़े के एक तरफ डार्ट्स को सी लेंगे। कपड़ा खोलें और दिखाए अनुसार नॉच को मिलाएं। फोल्ड की लाइन को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें। सिलाई शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पैटर्न सिलेक्टर डायल ए पर हो, जो सीधी सिलाई के लिए है, और सिलाई की लंबाई 2.5 पर सेट हो। लाइन पर बिल्कुल सही से सी लें। शुरू और आखिर में रिवर्स टांके लगाएं। ये करने के बाद हम दूसरी तरफ के डार्ट के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। नॉच को मिलाएं और लाइन पर सी लें। रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। अब कपड़े को पलटें और टांके पर धीरे से दबाकर उन्हें समतल करें। अस्तर के कपड़े पर भी डार्ट सिलने के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। ये करने के बाद टांकों पर धीरे से दबाकर क्रीज बना लें। बैक पीस को एक तरफ रख दें। स्टेप 3, ब्लाउज के फ्रंट को तैयार करना। सभी फ्रंट पीस को लें। यह हमारा मुख्य कपड़ा होगा और यह अस्तर का कपड़ा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मुख्य कपड़े पर टेम्पलेट के अनुसार एक निशान बनाया है। वहां एक नॉच बना ले, जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। इसी तरह मुख्य कपड़े के दूसरे भाग पर भी एक नॉच बनाएं। पिंच करके काट लें। अस्तर के दोनों पीस के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। अब मुख्य कपड़े से पिन निकालकर इन्हें खोलें। ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार इन्हें व्यवस्थित करें। आपके पास एक मध्य भाग और दो छोटे भाग होने चाहिए, जिससे साइड बनाई जाएगी। दोनों कपड़ों पर नॉच को मिलाएं और दिखाए अनुसार दूसरे भाग को पहले भाग पर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। इन्हें सही जगह करके पिन लगा दें। हमें बाकी के कपड़े पर भी आर्म होल तक पिन लगाना है। किनारों पर दिखाए अनुसार पिन लगाएं। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। नॉच को मिलाएं और कपड़े को सही जगह करके पिन लगा दें। फिर बाकी के किनारों को संरेखित करें और पिन लगा दें। अगर आप पिन किए हुए दोनों हिस्सों को धीरे से खोलेंगे तो यह आगे और पीछे से इस तरह दिखना चाहिए। इसी तरह हम अस्तर के कपड़े को व्यवस्थित करके पिन लगा देंगे। लगाए हुए दोनों कपड़े एक जैसे दिखने चाहिए। अब इन पीसेस को सी लें। सबसे पहले हम मुख्य कपड़े को सी लेंगे। पिन लगाए गए साइड्स में से एक साइड को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें।
नीचे सिलते हुए पिन निकालते रहें। सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। अब हम दूसरी तरफ सिलेंगे। पिन निकाल के सिलना शुरू करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने दोनों तरफ साइड्स को सिल दिया है। मुख्य कपड़े को एक तरफ रखते और अब लाइनिंग के कपड़े को सिलेंगे। मुख्य कपड़े की तरह हम अस्तर के कपड़े के टुकड़ों को भी एक साथ जोड़ेंगे। आप जब भी सीधी सिलाई करें तो टांकों को मजबूत करने के लिए शुरू और आखिर में रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। ये करने के बाद हमें सीम अलाउंस पर नॉच बनाने होंगे ताकि पहनने के बाद कपड़े का गोल हिस्सा सही से बैठे। नॉच बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि आप टांके को न काटें। हमें अस्तर और मुख्य कपड़े दोनों पर नॉच बनाने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट पीस जुड़ गए हैं और तैयार हैं। अब हमें टांकों पर इस्त्री करनी है ताकि सीम अच्छी तरह से सेट हो जाए और अधिक चमकदार और पेशेवर दिखे। मुख्य कपड़े के फ्रंट और बैक साइड दोनों पर इस्त्री करें। बैक पर इस्त्री करते समय अतिरिक्त सीम अलाउंस को खोलें और इस्त्री करें। अस्तर के कपड़े पर भी ऐसा ही करें। इस्त्री करते समय अपने हाथ का ध्यान रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। स्टेप 4, कंधों को सीलें और फ्रंट और बैक पीस को जोड़ना। ये करने के बाद फ्रंट के पीसेस को दिखाए अनुसार बिछाएं और बैक के पीसेस को उनके ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। अब हमें मुख्य कपड़े के कंधों को सिल के बैक और फ्रंट पीस को एक साथ जोड़ना है। कंधों को एक साथ करके बीडेड पिंस लगा दें। अस्तर के कपड़े के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इन पीसेस को अपने उषा वंडर स्टिच प्लस मशीन पर ले जाएं और पहले मुख्य कपड़े के कंधों को सिलना शुरू करें। कंधे को प्रेसर फुट के किनारे के साथ संरेखित करें और सीलें। शुरू और आखिर में रिवर्स टांके लगाना न भूलें। पिन निकालें और दूसरे कंधे के लिए भी ऐसा ही करें। सीधे टांके लगाने के बाद हमें कंधे पर जिगजैग टांके लगाने होंगे ताकि किनारों पर सिलाई न उधड़े। पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पर और सिलाई की लंबाई को 1.5 पर सेट करके कंधों पर फिर से सिलाई करें। जिगजैग टांके लगाते समय हमें रिवर्स टांके लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सिलने के बाद यह इस तरह दिखना चाहिए। अस्तर के कपड़े के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। सिलने के बाद हमारी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। स्टेप 5, पाइपिंग और बायस फेसिंग को नेकलाइन से जोड़ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ही मुख्य और अस्तर के कपड़ों पर कंधों को सील दिया है। दोनों पीसेस को खोलें और मुख्य कपड़े को अस्तर के कपड़े के ऊपर रखें। उल्टा हिस्सा आमने सामने हो। दोनों साइड्स पर कंधों को मिलाएं और सही जगह करके पिन लगा दें। नेक की फिनिशिंग के लिए
पाइपिंग और बायस स्ट्रिप लें। बायस स्ट्रिप बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ushasu.com पर 10 ड्रेस के ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। बायस स्ट्रिप को आधे में मोड़ें, पाइपिंग के ऊपर बायस स्ट्रिप को ओवरलैप करें और उन्हें नेकलाइन के ऊपर दाईं ओर रखें। हम इसे सही जगह रख कर सी लेंगे। कपड़े को अपनी मशीन पर ले जाएं और रेगुलर प्रेशर फुट हटा के पाइपिंग फुट लगाएं और लॉक कर दें। सीधी सिलाई के लिए पैटर्न सिलेक्टर डायल को ए पर और सिलाई की लंबाई को 2.5 पर रीसेट करें। शुरू में थोड़ी अधिक पाइपिंग और बायस स्ट्रिप छोड़ दें और सिलना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आप सभी परतों को सी लें। सिलने के साथ साथ एडजस्ट करते रहें। पूरे नेक पर ऐसे ही सी लें। आखिर तक सिलने से ठीक पहले शुरू में जो अधिक पाइपिंग और बायस स्ट्रिप छोड़ा था उसे मोड़ें और किनारों को उनके ऊपर रखें ताकि एक ओवरलैप बन सके और उस पर सिलाई करें। ओवरलैप के ऊपर सिलने के बाद रुकें और अतिरिक्त फेसिंग और पाइपिंग को काट लें। स्टेप 6, मुख्य कपड़े और अस्तर को एक साथ जोड़ना। नेकलाइन के बाद पाइपिंग फुट को हटा के रेगुलर प्रेशर फुट लगाएं और इसे लॉक कर दें। इसके बाद हम अस्तर और मुख्य कपड़े को एक साथ सी लेंगे। सिरों को मिलाएं और सिलना शुरू करें। धीरे धीरे सभी तरफ सिल लें। घुमाव पर ध्यान से और स्थिर हाथों से सी लें। अतिरिक्त धागे को काट लें। ये करने के बाद आपकी सिलाई ऐसी दिखनी चाहिए। स्टेप 7, आस्तीन को तैयार करना। अब आस्तीन को सिलने की बारी है। कपड़े से पिन निकालें। हमें आस्तीन के किनारे को हेम करना है। इसके लिए कोई फैंसी या मैचिंग पाइपिंग लें। अब आस्तीन को खोलें और अस्तर को उसके ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। अब पाइपिंग स्ट्रिप को मुख्य और अस्तर के कपड़े के बीच में निचले अलाउंस के साथ रखें और उन तीनों को एक साथ रख के पिन लगा दें जैसा ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। पाइपिंग को लंबाई में काटें और दूसरे आस्तीन पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। लगाते समय सावधानी बरतें। अतिरिक्त पाइपिंग को फिर से काट लें। अब हमें लगाए हुए निशान के ऊपर सिलना है ताकि जब हम आस्तीन को पलटें तो यह इस तरह दिखे। पिन लगाए हुए आस्तीनों को अपनी सिलाई मशीन पर ले जाएं और पाइपिंग के लिए रेगुलर प्रेशर फुट हटा के पाइपिंग फुट लगाएं और इसे लॉक कर दें। आस्तीन के पिन लगाए किनारे को फुट से संरेखित करें और सिलना शुरू करें। सिलने के साथ साथ पिन को निकालते रहें।
पाइपिंग फुट के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ushasu.com पर इसका ट्यूटोरियल देखें। दूसरे आसन पर भी ऐसा ही करें। उल्टी तरफ से सिलाई ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन हमने अभी पूरा नहीं सिला है। कपड़े को दाईं तरफ मोड़ें और हमें पाइपिंग के ऊपर एज स्टिच लगाना है ताकि ये ऊपर दिख सके। सिलना शुरू करें और धीरे धीरे और स्थिर रूप से नीचे की ओर सिलें। दूसरे आसन पर भी ऐसा ही करें। ये करने के बाद अब हमें सभी खुले किनारों को सिल के अस्तर के कपड़े को मुख्य कपड़े के साथ सिलना है। पाइपिंग फुट हटा के ए फुट लगाएं और इसे लॉक कर दें। आसन के किनारे को प्रेसर फुट के साथ संरेखित करें और सिलना शुरू करें। पिवट टेक्निक का उपयोग करते हुए इसे एक ही बार में सिलें। दूसरी आस्तीन पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। आपकी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पाइपिंग को सिल दिया है और कपड़ों को एक साथ जोड़ दिया है। स्टेप 8, आस्तीन को जोड़ना। संक्षिप्त में हमने नेक पाइपिंग बनाया है और अस्तर और मुख्य कपड़े को एक साथ सिल दिया है। इसके बाद हमें आस्तीन को आर्म होल से जोड़ना होगा। आस्तीन के सेंटर में हमने पहले से ही एक नॉच बना लिया है। इसे कंधे के सेंटर से मैच करें। आस्तीन को कपड़े के ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो और इसमें पिन लगा दें। सेंटर में पिन लगाने के बाद पूरे आस्तीन को आर्म होल के चारों ओर रख के पिन लगा दें। सुनिश्चित करें कि पिन कपड़े की सभी परतों से होकर जाए। दूसरे आस्तीन पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। सेंटर में पिन लगाएं और फिर से पूरे आस्तीन पर पिन लगा दें। पिन लगाए गए कपड़े को अपनी मशीन पर ले जाएं और आस्तीन को आर्म होल के साथ सिलना शुरू करें। सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। धीरे धीरे और स्थिर रूप से दूसरी तरफ तक सिलते रहें। ये करने के बाद दूसरे आस्तीन को भी सिलें। अब आस्तीन के ऊपर जिगजैग टांके लगाएं। जिगजैग टांके के लिए सेटिंग्स बदलें और किनारों पर फिर से सिलें। एक आस्तीन पर जिगजैग टांके लगाने के बाद दूसरी आस्तीन पर भी जिगजैग टांके लगाएं। आपकी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। स्टेप 9, साइड सीम को फिनिश करना और जिप लगाना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आस्तीन को जोड़ दिया है। अब हमें साइड सीम पर काम करना है। आर्म होल को आपस में मिला के इनमें पिन लगा दें और फिर आस्तीन और ब्लाउज के एक साइड पर भी पिन लगा दें। ब्लाउज के बाईं तरफ हम एक कंसील जिप लगाएंगे। सबसे पहले आर्म होल्स को जोड़ें और आस्तीन वाले हिस्से पर पिन लगा दें। जिप को आर्म होल के नीचे लगाया जाएगा। चूंकि यह एक कंसील जिप है, इसलिए जिप के दाएं हिस्से को कपड़े के दाएं हिस्से के ऊपर रखें, जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है।
दिखाए अनुसार जिप के एक हिस्से को ब्लाउज के फ्रंट में रखें और दूसरे हिस्से को बैक में रखकर पिन लगा दें। ब्लाउज के दाएं सीम को सिलना शुरू करें। मशीन को सीधी सिलाई पर रीसेट करें और ब्लाउज के निचले हिस्से से सिलना शुरू करें और आस्तन के अंत तक सिलें। आपकी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। आइए अब बाईं तरफ सिलते हैं। सिलने से पहले आर्म होल से 1.5 इंच की दूरी नापें और एक निशान बनाएं। यह निशान जिप के आखिरी पॉइंट को इंगित करेगा। आसन से सिलना शुरू करें और आर्म होल की तरफ सिलते रहें। एक पॉइंट पांच इंच के निशान तक सिल के रुक जाएं। सिलाई इस तरह दिखेगी। इसके बाद हमें जिप को जोड़ना है। इसके लिए रेगुलर फुट हटा के उषा जुनोमी जिपर फुट लगाएं और लॉक कर दें। जिप को खोलें और पिन लगाए हुए जिप के एक हिस्से को प्रेसर फुट के साथ संरेखित करें और सिलना शुरू करें। स्थिर हाथों से सिलें और सुनिश्चित करें कि जिप एक सीधी लाइन में सिला हो। ये करने के बाद दूसरे हिस्से को भी सिलें और सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। हमें एक बार और सिलना है। जिप के दांतों को खोलें और इसको सही जगह लॉक करने के लिए जिप के मूवमेंट को बाधित किए बिना दांतों के जितना संभव हो सके उतनी करीब सिलें। यह जिप की मजबूत सिलाई सुनिश्चित करेगा। ऐसा जिप के दोनों हिस्सों पर किया जाएगा। किसी भी अतिरिक्त धागे को काट लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जिप को ब्लाउज से जोड़ दिया है। अब फिर से जिपर फुट हटा के रेगुलर फुट लगाएं और लॉक कर दें। अब साइड सीम पर जिगजैग टांके लगाएं। पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पर और सिलाई की लंबाई को 1.5 पर रीसेट करें और आसन से सिलना शुरू करें। जब आप सिलते हुए जिप तक पहुंचें, तो दोनों सीम अलाउंस को खोलें और जिप के दोनों हिस्सों पर अलग अलग सिलाई करें। यह एक दोहराई जाने वाली प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन यकीन करें जिगजैग टांके आपकी सिलाई को एक अच्छा फिनिश देते हैं और किनारों को उधड़ने से बचाते हैं। क्या अब साइड्स ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे?
अपने जिप को चेक करें और अंत में थोड़ा सा जिप छोड़ के बाकी को काट दें। स्टेप 10, ब्लाउज के निचले हेम को फिनिश करना। इसके बाद हम ब्लाउज के निचले हिस्से को हेम करेंगे। इसके लिए हम एक बायस स्ट्रिप लेकर उसे आधे में मोड़ेंगे और इसे ब्लाउज के दाएं हिस्से में सील देंगे। ब्लाउज को अपनी सिलाई मशीन पर ले जाएं। जिप खोलें और मुड़ी हुई बायस स्ट्रिप को ब्लाउज के दाएं हिस्से पर रखें, जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। इसे प्रेसर फुट के किनारे पर संरेखित करें और सिलना शुरू करें। सब तरफ सीलें। सिलते समय बायस स्ट्रिप को मोड़ते और एडजस्ट करते रहें। आखिर तक सिल के धागा काट लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने नीचे के हेमलाइन को सिल दिया है। अब किसी भी अतिरिक्त धागे को काट लें। सिलने के बाद सिलाई ऐसी दिखनी चाहिए। इसके बाद अतिरिक्त स्ट्रिप को आधा इंच छोड़कर काट लें। अब हम बायस फेसिंग के किनारे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और दिखाए अनुसार फेसिंग के निचले हिस्से को भी अंदर की तरफ मोड़ेंगे। अब हम ब्लाउज के पूरे निचले हिस्से पर हाथ से हेम करेंगे। सुनिश्चित करें कि स्ट्रिप सही ढंग से रखा हो और आपकी सिलाई साफ हो। ये करने के बाद जिप के नीचे हुक लगा के सील दें। ओपनिंग को सही से रखने के लिए हुक बहुत महत्वपूर्ण है और यह जिप को अपने आप खुलने से रोकता है। ब्लाउज के दूसरे हिस्से पर हुक के दूसरे हिस्से को सिलना न भूलें। लगभग तैयार हो गया है। स्टेप 11, नेकलाइन को फिनिश करना। ब्लाउज को अंदर से बाहर की ओर मोड़ें और नेकलाइन को हेम करें, जो इसका अंतिम चरण है। बायस स्ट्रिप को उल्टी साइड से अंदर की ओर मोड़ें और हाथ से सिल दें। पूरी बायस स्ट्रिप के ऊपर सीलें। आपके हाथ की सिलाई ऐसी दिखनी चाहिए। अब हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है, स्टाइलिश और सुंदर। आप शादी के सीजन में इसे पहन के दिखाने के लिए उत्सुक होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने सिले हुए ब्लाउज की फोटो दिखाएं। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने सिलाई के दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।